बड़ी खबर शहडोल से आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं, जहां पर जमीनी विवाद में जानलेवा हमला किया गया है। घायल पति को पीठ पर लादकर पत्नी पहुंची है पुलिस के पास और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। और पति को पीठ पर लादकर तय किया कई किलोमीटर का ये लंबा सफर, पुलिस ने दिया है सख्त कार्रवाई का भरोसा। पति गेंदलाल हमले में बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। गांव के ही 3 लोगों पर हमले के आरोप है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि महिला अपने पति को पीठ में लादकर पुलिस स्टेशन पहुंची है और न्याय की गुहार लगा रही है। गांव के ही लोगों पर मारपीट का यह आरोप है और घायल के पैसे भी मारपीट के बाद छीने गए हैं। पत्नी रानी यादव ने अपने पति के हाथ पैर बंधे हैं और प्लास्टर की वजह से उसके अपने कंधों पर लाद दिया है और पीठ पर लादकर शहडोल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है, जहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से अपनी आपबीती सुनाकर न्याय की गुहार लगाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरीके से ये पत्नी अपने पति को पीठ में लादकर पुलिस स्टेशन पहुंची है और न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई का ये आश्वासन दिया है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गांव के ही कुछ लोग हैं जिस पर ये मारपीट का आरोप लगा है। नाम के एक व्यक्ति आए हुए थे, उनके हाथ पैर में प्लास्टर बना हुआ था। वो अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे और उनने शिकायत की थी कि साहब सुहागपुर थाने में उनके साथ मारपीट हुई थी और उस मारपीट में सामान्य धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है। और मैंने उसकी शिकायत सुनी है और मेडिकल आधार पर धाराओं का इजाफा करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया है और जिन मामलों में उसके साथ मारपीट हुई है उसकी पुनः ठीक ढंग से जाँच करके और माननीय न्यायालय में आरोपी को गिरफ्तार करके पेश करने का निर्देश। अरविंद नामदेव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पत्नी किस तरीके से अपने पति को लादकर पुलिस स्टेशन पहुंची है और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आरोप गांव के कुछ लोगों पर लगा है। प्रशासनिक सिस्टम की लचर व्यवस्था की एक तस्वीर शहडोल में देखने को मिली, जहां पे एक पत्नी न्याय के लिए अपने पति को पीठ पर लादकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से आप बीती बताई। मैं आपको बता दूं कि शहडोल के सुहागपुर की रहने वाले गेंदलाल से गांव पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों से जमीनी विवाद को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के गांव के ही लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी शिकायत उन्होंने सुहागपुर थाने में की थी, लेकिन वहां पे हल्की धारा लगाकर मामला को रफा दफा कर दिया, जिससे आहत परिवार जो है उसकी पत्नी रानी यादव अपने पति को पीठ पर लादकर कई किलोमीटर का सफर तय कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य ने उनको आश्वासन दिया है कि इस पर जो है और कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी और धाराओं में भी इजाफा किया जाएगा। जी ठीक है अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स जानकारी साझा करने के लिए।